चमचा भी लौट आया। कैप्टन जैक स्पैरो का कमबैक। चुलबुली बसंती की वापसी। अदाओं वाली उमराव जान। भाई फैंस के लिए नए साल का इससे हसीन तोहफा भला और क्या हो सकता है। यहाँ बॉलीवुड के दिग्गज भी हैं और हॉलीवुड का सूरमा भी। मगर इससे पहले कि आप इन सितारों के माया जाल में फंसे, हम इन बहरूपीय सितारों को बेनकाब करने जा रहे हैं। हिटलर जैसी मूछ लगाकर और ड्रेस पहनकर हर कोई हिटलर नहीं हो जाता है। क्यों? सही कहा ना इंदिरा दीदी। क्या हो रहा है ऊपर? ये मेरा घर हिटलर का। इनका गेटअप देखने में समुद्री लुटेरे कैप्टन जैक स्पैरो जैसा भले ही हो, मगन की स्माइल तो ऋषि वाली ही है। क्यों ऋषि, पकड़े गए ना? आपका किराएदार ऋषि कुमार और हम कुकरी लगते हैं शाम। मुन्ना भाई भी सोच रहे थे कि दाढ़ी और बाल सफेद करके शहंशाह बन जाएंगे। क्यों भाई साहब, पकड़े गए आप भी? रिश्ते में तो हम तुम्हारे डैडी होते हैं सुपरमैन, और नाम है मुन्ना सिंह। इंदिरा हिटलर बनी तो मंदिरा बसंती बनकर धोखा देना चाहती थी। क्योंकि बसंती बनना तो आसान है, लेकिन ये वीरू कहाँ से लाएंगी? जब तक है जहाँ जानी जहाँ मैं नाचू। दीदी की भाभी जान ने उमराव जान बनने में यूं तो कोई कसर नहीं छोड़ी, मगर इनका डायलॉग, हाय रब्बा, दिस चीज क्या है? आप मेरी जान ले लो भाई, जैसे मैं उसके घरों में अच्छी तो लग रही हो ना? अब आप सोच रहे होंगे कि जी टीवी के सीरियल हिटलर दीदी के सारे सितारे बहरूपियों के अवतार में क्यों? जी इसका जवाब तो आपको इंदिरा ही देगी। ये एक्चुअली न्यू ईयर पार्टी हम लोग लोगों ने अरेंज किया है स्पेशली ईशान के लिए, और उसके डिमांड पर ये फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन रखा गया है। सुना, साल 2012 में अपने फैंस को ऐसा सरप्राइज देंगी हिटलर दीदी। वैसे ऋषि बाबू भी समुद्री लुटेरे वाले अवतार में काफी जज रहे हैं। ये सबको धोखा देने की कोशिश है, सब धोखेबाज एक घर में इकट्ठे हुए जिसका नाम है शर्मा निवास, और मैं हूँ समुद्री लुटेरा कैप्टन जैक स्पैरो। यानी नए साल पर हिटलर दीदी के परिवार में ऑल इज वेल होने वाला है। एक शानदार पार्टी में सारे घर वाले बॉलीवुड का तड़का लगाएंगे और एक बार फिर बन जाएगी इनकी फैमिली हैप्पी फैमिली। तो भाई हिटलर दीदी का प्लान तो आपको पता चल गया, नए साल पर आपका क्या प्लान है?